झांसी मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात आग के तांडव मचाने के दौरान भगदड़ के बीच कुछ चेहरे ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान पर खेल कर नन्हे मासूमों को बचाया। हमीरपुर निवासी याकूब भी उनमें से एक थे जो धुएं और गुब्बार के बीच मुंह पर कपड़ा बांधकर वार्ड में घुस गए और एक एक करके सात नवजातों को खिड़की से बाहर निकाला। ये खबर अगले दिन जैसे जैसे फैली वैसे लोगों को याकूब पर फक्र महसूस होने लगा, लेकिन ये गर्व याकूब की जुड़वा बेटियां कभी महसूस नहीं कर पाएंगी। वो अपने पिता की जाबाजी के किस्से भी नहीं सुन पाएंगी। जी हाँ, जिस समय याकूब धधकते वार्ड के एक सिरे से बच्चों को बाहर निकाल रहे थे, उसी समय कहीं दूसरे सिरे में भर्ती उनकी जुड़वा बेटियों को आग अपना शिकार बना रही थी। याकूब के घर में दूसरे दिन भी मातम पसरा रहा। पत्नी नजमा कुछ भी बोल नहीं पा रही है, परिवार और गांव के लोग सिर्फ डांडस बांध रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठेला लगाकर जीवन यापन करने वाले हमीरपुर स्थित सिकंदरापुरा मोहल्ले की याकूब की पत्नी नजमा ने 9 नवंबर को झांसी में जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। परिवार में खुशियां चरम पर थी। बेटियों को सांस लेने में कुछ तकलीफ हुई तो इलाज के लिए झांसी ले गए। बच्चियां यहां पिछले 8 दिनों से भर्ती थी। याकूब ने बताया कि रोज की तरह शुक्रवार रात भी वे वार्ड के बाहर ही सोए हुए थे। अचानक से तेज चीखने की आवाजें आने लगी तो वे उठकर भागे। देखा कि वार्ड के एक हिस्से से लोग खिड़की के सहारे निकल रहे हैं और अंदर आग और धुएं का गुब्बार भरा हुआ था। याकूब ने खिड़की तोड़ी और यूनिट के अंदर घुस गए। हिम्मत दिखाते हुए अपनी मां बिल्किस और साले रैनू के साथ एक एक कर सात बच्चों को सुरक्षित निकाला, लेकिन इनमें खुद की दोनों बेटियां शामिल नहीं थी। इसके बाद याकूब और नजमा पूरा दिन अस्पताल में भटकते रहे, एक एक कोना छान मारा कि कोई उन्हें बता दे कि उनकी परियां कहां हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर आंसू पोंछते रहे, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन शनिवार को दोनों बच्चियों के शवों की शिनाख्त हुई तो दोनों बिलखते पड़े। खबर सुनते ही नजमा बेहोश हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया। तभी से बदहवास हालत में है। नजमा तो 8 दिन में अपनी दोनों जुड़वा बेटियों का चेहरा ठीक तरह से नहीं देख पाई थी। इतना कहते याकूब रो पड़े कि कई बच्चों की जान तो बचाई, लेकिन अपनी बच्चियों को मौत के मुंह में जाने से नहीं रोक पाया। दंपत्ति एक ही बात दोहराते रहे कि सांस लेने में तकलीफ का इलाज कराने गए थे, लेकिन यहाँ तो उनकी सांसें ही छिन गई। कोई उम्मीद नहीं है सर, उम्मीद जिंदा है या कोई उम्मीद नहीं सर, हम क्या कहें, अब मरी गए, अब क्या उम्मीद कहें। कितने दिन का था सर आप? सर 9 तारीख का एडमिट था। 9 तारीख से? जी सर। तो मंगलवार को उधर लेके आए थे हम सर, आज रात में लेके आए थे। कहाँ के रहने वाले हैं सर? महोबा के। अच्छा, क्या बीमारी थी आपके बच्चे को? सर बच्चे को थोड़ा अभी इधर लेके आए थे, कोई पता ही नहीं था, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम थी, इधर लेके आए थे, माओवा जैसे इफेक्ट कर दिया था, तो इधर आए थे हम लोग माओवा तब झांसी में। तो अब आपके बच्चे को देखने भी नहीं सर? उम्मीद नहीं है ना, बता रहे हैं कि कहाँ है हमारा बेटा, कहाँ पर सर, कहाँ बताएंगे, कोई उम्मीद ही नहीं कहाँ से बच्चा मिलेगा हमारा, ये थोड़ी जाके दे देंगे सर, गालियाँ मिलती है। क्या लापरवाही मानते हैं, किसकी लापरवाही? लापरवाही तो है डॉक्टरों की, बच्चा ही नहीं मिल रहा हमारा। जब आग लगी थी तो कोई बचाने नहीं आया? बताने फिर खड़े थे वहाँ डॉक्टर, सब भगा रहे थे, सब कर दिए बाहर, बाबू बाहर, बाबू हमको बाहर नहीं भगेंगे, हमारा बच्चा मरा है, हम जाएंगे भीतर बचाने के लिए। वहाँ पे 4-5 बच्चे थे, जिसके बच्चे पाए हमने उसी को बचाया।